फ्रेंड्स, टिश्यू पेपर के ज़रिए सीड्स ग्रो करने का तरीका, इससे जल्द अज जल्द पता लग जाएगा कि आपके कौन से सीड्स ग्रो कर रहे हैं और फिर आप इनको बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं गमलों में। ये अनार के सीड्स हैं, मैं इनको इसमें रख रहा हूँ और इसके ऊपर पानी का थोड़ा सा शावर कर देता हूँ और इसे कवर करके शेडी एरिया में रख दूँगा और 15 दिन बाद इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या रिज़ल्ट आया। तो फ्रेंड्स, ये था टिश्यू पेपर के ज़रिए सीड्स ग्रो करने का तरीका।